ये बस थी हमारी जिस पर हम जो है ना आए हैं, और देख लें ये तमाम के तमाम यात्री हैं जो हमारे साथ। मनकाना साहब किस साइड पे पड़ता है सर? इधर। शुक्रिया सर। इधर देख लें जी, ये है जी सिटी का कुछ व्यू। सर शहर डिस्ट्रिक्ट क्या है? ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट। ये तमाम के तमाम जो शॉप्स हैं इधर आजू बाजू में देख रहे हैं, ये तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के शॉप्स हैं। मतलब कि यहाँ पर चेकिंग वगैरह हुई थी, यहाँ पर चेकिंग का जो है अच्छा इंतज़ाम किया गया है। 2-3 चेक पोस्ट यहाँ पर बनाई गई हैं जहाँ पर जो है ना तमाम लेडीज़ की तमाम जो ये चेकिंग वगैरह करना इस तरीके का सिस्टम है। चेकिंग के अंदर से इस तरह की जो है ना ये देख लें, यहाँ पर सिख हिंदू कम्युनिटी के लोग, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस व्लॉग में आप लोगों को ननकाना साहब जो मेला ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है हर साल, जो कि नवंबर के महीने में 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर को यहाँ पर मेला ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वह मतलब कि हम उसमें शरीक होने के लिए तमाम हिंदू कम्युनिटी के लोग जो पंजाब से आए हुए हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस मेले में शरीक करने के लिए आए होंगे, और जो है वो सिख कम्युनिटी यहाँ पर आए होंगे, ठीक है, इंडिया से, यूके से, कनाडा से, मतलब ममालिक से यहाँ पर आए होंगे। तो आप लोगों को पूरा जो है वो मेला दिखाते हैं, ठीक है, इस मेले की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या किस तरह से ये मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और जो है ना किस तरह की यहाँ पर जो है ना माहौल होता है, और क्या मतलब भक्ति कीर्तन में क्या क्या मतलब कि यहाँ पर ये रूटीन होता है, और जो भंडारे का सिस्टम होता है वो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को पता चलूँगा ये पंजाब में जो है ना ये वाकया है ननकाना साहिब, ठीक है। तो आप लोगों को अभी अभी जो ना हम आए हैं रहीमियर खान से, तकरीबन सिंध से ही आए हैं, क्योंकि जो है ना रहीमियर खान वो पंजाब का लास्ट शहर है, इससे फिर जो है सिंध स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन जो है ना हमें एक रात लगी है रहीमियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए हैं और तमाम जो है ना एक यात्रा, मतलब एक किस्म की यात्रा बस है हमारी, जो यहाँ पर आए हैं मेले में शरीक होंगे, ठीक है। आप लोगों को भी दिखाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे बाबा ननकाना साहब के मेले को, और आपको भी जो है ना दिखाएंगे, और आप भी इससे इंजॉय करेंगे। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। तो क्यों नहीं पसंद आएगी, बेस्ट है कि ना वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। जहाँ पर जो है ना मेला ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, उस शहर की जो है ये आप लोगों को बाहर से सीन दिखा रहे हैं। और ये बस थी हमारी जिस पर हम जो है ना आए हैं, और देख लें ये तमाम के तमाम यात्री हैं जो हमारे साथ मौजूद थे, और इसमें महिलाएं भी हैं, हमारे जो है ना नौजवान भाई भी हैं, तमाम मतलब के बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। ये है ना सीन है इस सिटी का जहाँ पर ननकाना साहब मौजूद है, और ये देख लें ये तमाम के तमाम यात्री जो है ना हमारे आए हुए हैं। सुल्तान भाई से मिलवाते हैं और उनके विचार जानते हैं कि वो जो है ना इस मेले में कितना जो है इंजॉय करने वाले हैं, और जो है ना इस मेले को कैसे लेते हैं। तो राम राम सुल्तान भाई। जय श्री राम हरिओम। तो सुल्तान भाई हम जो है ना फाइनली पहुंच चुके हैं ननकाना साहब, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ये जो है ना हमारा टूर रहने वाला है ये ननकाना साहब का? देखिए जी, 10 दफ़ा पहले आए हैं और 11वां दफ़ा जो है अभी हम पहुंचे हैं। जी जी, अभी हमने 2 दिन इधर स्टे करना, आज नाइट भी, कल नाइट भी, परसों हम निकलेंगे भगवान की कृपा से करतारपुर। करतारपुर उधर हमने 1-2 घंटा रहना है, उसके बाद हमने आ जाना। जी जी, जो है रात को फिर निकलेंगे हम, फिर जो है ना मतलब पहला गुरु टेम्पल मुल्तान जो है रवाना हो जाएंगे। हमारे गुरुजन भी आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, और इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके का ये सफर रहा। तो राम राम गुरुजी। राम राम। कैसा रहा सफर? हाँ भाई, बहुत अच्छा हुआ भाई। अच्छा, ननकाना साहिब आ पहुँचे यहाँ। जी जी, तो ये अपना हर साल ये अब तीर्थ यात्रा कम से आते हो मेले पर, ये जन्मदिन मनाने के बाद। जी गुरु जी, आप जो है हर साल आते हो यहाँ पर? हाँ हर साल। अच्छा जी, सही है। यहाँ तो जी जी, चलें दोस्तों ठीक हो गया, मजीद जो है ना हम मेले के अंदर ही मिलेंगे। तो इधर देख लें ये तमाम के तमाम यात्री जो है ना जा रहे हैं, और ये देख लें जी ये अमरूद वाले भी यहाँ पर जो है अमरूद सेल कर रहे हैं। कैसे दे रहे हो अमरूद? 200 रुपये किलो। और देख लें जी, ये है जी अमरूद। और ननकाना साहब किस साइड पर पड़ता है सर? इधर। शुक्रिया सर। इधर देख लें जी, ये है जी सिटी का कुछ व्यू। सर शहर डिस्ट्रिक्ट क्या है? ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब ही है। अच्छा जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें दोस्तों वो जा रहे हैं, इधर देख लें ऐसे जो है ना इस सिटी का कुछ व्यू है। और इधर अगर बात करी जाए तो ये देखें ये जो है ना घोड़ों की मूर्तियां बनाई हुई हैं। इधर देख लें, पत्थर से ना घोड़ों की मूर्तियां बनाई हुई हैं, एक किस्म के घोड़े ही बनाए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर आकर। इधर देख लें,
ये तमाम के तमाम बसेज आप लोग देख रहे होंगे, ये रश जो देख रहे होंगे, ये जो है ना मतलब के इसी मेले में शरीक करने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, ठीक है। ये देखें, ये बैग है मेरा और मैंने मतलब के सारा सामान जो है ना, क्योंकि सर्दी का मौसम है इस वजह से ना अपना कंबल वगैरह हो गया या जो भी सर्दियों का सामान था वो सारा जो है ना इसमें पैक कर लिया। इधर देख लें जी, ये तमाम के तमाम जो यात्री है हमारे वो जो है ना आगे आगे जा रहे हैं। राम जी राम, नाम बता दें अपना। प्रकाश राम। प्रकाश राम हमारे साथ मौजूद थे आकर जो है ना, बहुत ही अच्छा लगा जो है ना, क्योंकि फैमिली के साथ हम जो है ना आए हुए हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ ही हैं, ठीक है ना। और जो है ना हम रहीम यार खान से निकले थे कल जो है ना तकरीबन 7 बजे के करीब, ठीक है, शाम के। और जो है ना हमें अब जो है हम पहुंच चुके हैं तकरीबन 8:30 बज चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं आप लोगों को जो ना ननकाना साहब का गुरुद्वारा दिखाते हैं। ये सिटी का सीन देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, इधर देख लें, ये तमाम के तमाम जो शॉप्स हैं इधर आजू बाजू में देख रहे हैं, ये तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के शॉप्स हैं। और जैसे कि वो मस्जिद भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। और ये तमाम के तमाम यात्री जो है ना जा रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है ना पैदल सफ़र करके जाना पड़ता है। बस जो है ना हमने 1 किलोमीटर आगे ही रोक लिया है, आगे नहीं जो है ना बस जाने देते। देख लें जी, इसलिए तमाम जो है ना कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और चेक पोस्ट जो है ना एक हमने क्रॉस की है, एक चेक पोस्ट जो है ना सामने है जहाँ पर हमारी चेकिंग होगी, वहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं। वो तमाम जो यात्री हैं उनके शिनाख्ती कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह चेक करेंगे और जो है ना सामान वगैरह की चेकिंग करी जाएगी यहाँ पर। ये देख रहे हैं, ये वहाँ पर चेक पोस्ट है, देख लें, ये चेक पोस्ट है और सामने एक और चेक पोस्ट है, ये देख लें। ये तमाम के तमाम यात्री जो है ना क्रॉस कर रहे हैं हमारे, तो चले हम भी क्रॉस करते हैं। ये जो आई थिंक जो ये दीवार जो आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, ये जो है ना आई थिंक गुरुद्वारे की होगी ननकाना साहब की, क्योंकि मैं पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ही आया हूँ तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर जो है ना गुरुद्वारा है। तो ये देख लें जी, राम जी राम, जय श्री राम। तो देख लें जी, इन्होंने बैग वगैरह उठाए हुए हैं हमारे साथ जो यात्री आए हैं तमाम के तमाम। और इधर जो है ना पुलिस वगैरह भी खड़ी हुई है। और ये जो है ना सामने एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी चेकिंग होगी हमारी, मतलब कि यहाँ पर चेकिंग वगैरह हुई थी। यहाँ पर चेकिंग का जो है अच्छा इंतज़ाम किया गया, 2-3 चेक पोस्ट यहाँ पर बनाई गई हैं जहाँ पर जो है ना तमाम लेडीज़ की, तमाम जो मर्द हैं उनकी चेकिंग वगैरह होती है यहाँ पर। तो अच्छा जो है ना यहाँ पर निज़ाम एक किस्म का बनाया गया है, ताकि सिक्योरिटी जो है ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा मेला है ना, इस वजह से ये सिक्योरिटी तो इस तरह की होनी ही चाहिए। जो बनी हुई आप लोग देख रहे हैं, ये जो है चेकिंग के लिए वगैरह जो है ना ये कतार बनाई गई है, और यहाँ पर चेकिंग होगी तमाम सामान की, और जो है ना तमाम जो हमारे शिनाख्ती कार्ड वगैरह भी चेक होंगे। ये चेकिंग वगैरह का ना इस तरीके का सिस्टम है, चेकिंग के अंदर से इस तरह की जो है ना चेकिंग होती है, हमारे शिनाख्ती कार्ड वगैरह भी चेक करें और हमारे तमाम जितने भी सामान हम लेके आए थे वो तमाम हमारे जो है ना गार्ड ने चेक किए थे। देख लें पीछे लंबी कतार आप लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी का जो ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि अच्छा इंतजाम किया गया है, अच्छी बात है। और सामने देख लें जी, वो एक पुलिस वाला और भी खड़ा हुआ है जो ना मज़ीद चेकिंग कर रहा है, ये देख लें। तो दोस्तों फाइनली जो है ना हम गुरुद्वारे के अंदर इंटर हो गए हैं, इधर देख लें जी, यहाँ से इंटर हुए थे और देख लें जी ऐसा जो है ना कुछ व्यू है, इधर देख लें मज़ीद यहाँ पर जो लेडीज़ वगैरह खड़ी हुई थी, सिक्योरिटी के तमाम जो है ना अच्छा इंतजाम। ये देख लें जी, ये है जी गुरुद्वारे का अंदर से सीन, देख लें कितने लोग जमा हैं, इनमें लेडीज़ तमाम के तमाम लोग जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। देख लें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत गुरुद्वारा है, ये देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा जो है ना यहाँ पर ये लेडीज़ वगैरह और जो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। इधर देख लें जी, ये गुरुद्वारा, इधर देख लें जी, बहुत जो है ना पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, इधर देख लें जी। इधर देखेंगे गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब उर्दू में लिखा हुआ है, उसके बाद जो है ना पंजाबी में लिखा हुआ है, इधर देख लीजिए। ये जो देख रहे हैं ना यात्री तमाम के तमाम ये हमारे साथ आए हुए थे, कुछ यात्री जो है ना मतलब के बाहर जा रहे हैं अभी जो है ना, क्योंकि कल तक
कल का दिन भी है मेले का, आज का दिन जो है ना सारा रहेगा मेले का और कल का जो है ना लास्ट डे है। हम जो है ना दरअसल 14 को पहुँचे हैं, हालांकि 13 को स्टार्ट था मेला। और देख लें ऐसे जो है ना गुरुद्वारे के अंदर से सीन है, और यहाँ पर जो है ना आप लोगों को यहाँ पर सिख हिंदू कम्युनिटी के लोग, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है ना तमाम मौजूद हैं। इधर जो है ना हम जाएंगे इधर देख लेंगे। पाल सिंह चावला, ठीक है सर। आज का व्लॉग बस यहीं पर एंड करते हैं। तो इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि गुरुद्वारे में कैसे इंटरेस्ट लेते हैं हम, किस तरह की सिक्योरिटी की चेकिंग होती है, और जो है ना कुछ मैंने माहौल भी दिखाया, यहाँ का गुरुद्वारा भी दिखाया, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग जो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसमें आप लोगों को जो है ना पूरा गुरुद्वारा विजिट करवाऊँगा, और जो सरदार हमारे आए होंगे इंडिया से आए होंगे, यूके से, कनाडा से, जहाँ से भी आए होंगे उनसे भी मिलेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे, और जो है ना पूरा गुरुद्वारा आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, और जो है ना यहाँ का जो भंडारा सिस्टम होगा वो भी आप लोगों को जो है ना तफसील के साथ जो है ना आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो तो ज़रूर वॉच कर ली होगी, नेक्स्ट वीडियो भी है ज़रूर वॉच करिएगा आप लोग, ठीक है। वाहेगुरु।